भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा वर्ग मोर्चा के तत्वावधान में पिछड़ा प्रबुद्ध वर्ग के क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन बेतियाता स्थित के मैरिज हॉल में किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि पार्टी के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष जय प्रकाश निषाद, महानगर अध्यक्ष श्रवण पटेल, वरुण चौरसिया, चिरंजीवी चौरसिया सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सम्मेलन में वक्ताओं ने कहा कि किसी भी पार्टी की सरकार ने पिछड़ों के हित की बात नहीं की, सिर्फ पिछड़ों को छलाए। वक्ताओं ने कहा कि सिर्फ बीजेपी में पिछड़ी जातियों का सम्मान हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। सम्मेलन के संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बीजेपी के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष जय प्रकाश निषाद ने कहा, भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद, मौर्य सरवन पटेल जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत के वंदे मातरम। कृपया अपने स्थान पर पिछड़े समाज के लोग माननीय नरेंद्र मोदी जी को वोट क्यों गए, इस पे हम चर्चा करने आए। देश को आजाद हुए 70 साल हो गया, 70 साल के अंदर पिछड़ा समाज तमाम राजनीतिक पार्टियों को वोट देने का काम किया है, लेकिन एक भी राजनीतिक पार्टी पिछड़े समाज के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया है। इस देश के अंदर किसी ने कदम उठाया पिछड़े समाज के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उठाया है, इसका कोई मिसाल नहीं। पिछड़े वर्ग मोर्चा का आज गोरखपुर जिले की और महानगर जिले दो जिले की बैठक, प्रबुद्ध वर्ग की बैठक हो रही है। इसमें पूरी तौर से ये पिछड़ा मोर्चा आगामी 2019 के लिए जो संदेश इस देश के प्रधानमंत्री और इस उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ ने दिया है, उसको जो है पूरे समाज में, पूरे पिछड़े वर्ग में, क्योंकि ये आपको भी मालूम है, मैं बताना चाहता हूँ कि अभी तक किसी ने संवैधानिक तरीके से पिछड़े मोर्चे का कहीं भी संज्ञान नहीं लिया। आज तक जितनी सरकारें बनी किसी ने पिछड़े मोर्चे के ऊपर निगाह नहीं डाला, लेकिन माननीय योगी जी की सरकार, माननीय मोदी जी की सरकार ने, इस देश की सरकार ने पिछड़े मोर्चे को आधिकारिक रूप से संवैधानिक दर्जा देने का काम किया है। इसलिए आज ये जो पिछड़े मोर्चे की बैठक है, इस पर पूरी तरह से हम लोग 2019 के लिए पिछड़े वर्ग को तैयार करने के लिए आज बने तैयार है। गठबंधन करके पिछड़ों और दलितों को लेकर के चल रही है, तो उसके लिए क्या बताएं? देखिए, विपक्ष के बारे में आप जानते हैं, विपक्ष के बारे में हम लोग बहुत कुछ नहीं कहना चाहते हैं। आपने देखा होगा आज माननीय सपा के मुखिया श्री अखिलेश यादव और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी ने जो गठजोड़ किया है, ये पहले से मालूम है। माननीय अखिलेश जी के पिताजी ने मायावती जी के साथ कौन सा व्यवस्था, कौन सा भद्रता, कौन सा व्यवहार किया था, वो कतई जो है मेल खाने वाली नहीं है। आने वाला समय आपको कतई रूप से बता देगा कि इन लोगों का गठजोड़ है कि गठबंधन है कि क्या है, वो सारी चीज़ें खुलकर सामने आ जाएंगी। ये चूँकि आपको मालूम है पूरे देश में, पूरा आवाम ये कह रहा है, इस देश के लिए अगर किसी को ज़रूरत है तो वो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री मोदी जी की ज़रूरत है। इसलिए उससे आहत होकर घबरा करके ये लोग जो है गठबंधन करना चाहते हैं और कर रहे हैं।